बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम अपने सबक का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, मुझे अच्छा मुसलमान, अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा इंसान बना। प्यारे बच्चों, आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, कैसे? हमें ये मालूम करना चाहिए कि असल कामयाबी क्या होती है, मैं दुनिया में क्यों भेजा गया हूँ, मेरा रब कौन है, मेरा रब कैसा है। आपको पता है कि मेरा रब वो है जो रब्बे कायनात है, मेरा और आपका रब वो है जिसे ऊँग आती है या ना ही नींद आती है। उसने हमें दुनिया में थोड़ी सी देर के लिए भेजा है और उसके बाद हमारी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। लेकिन ये सारे सवाल, इनके जवाब कहाँ से मिलते हैं? इनके जवाब हमें मिलते हैं कुरान मजीद का मुतालिया करने से। तो प्यारे बच्चों, आज से लाजिम कर लें कि कम अज़ कम कुरान मजीद की 3 आयात आपने तर्जमे के साथ पढ़नी है, ताकि आप अपने रब को जानें, अपने दुनिया में आने का मकसद जानें और अपने इखलाक और किरदार को संवार सकें। क्योंकि हमने पाकिस्तान एक नारे पे लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तक हम इस पर अमल नहीं करेंगे, हम दुनिया में जलीलो ख्वार होते रहेंगे। तो हम अपने सबक की तरफ आते हैं। फाइंड कॉमन लॉगरिथम, ये हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो द इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम इज़ कॉल्ड द करैक्टरिस्टिक। इसका जो इंटेग्रल पार्ट है उसको करैक्टरिस्टिक कहते हैं, और ये नॉन नेगेटिव डेसिमल पार्ट जो होता है वो मेंटिसा होता है, यानी एक लाख के दो हिस्से होते हैं, एक को करैक्टरिस्टिक कहते हैं और दूसरा जो है वो करैक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, लेकिन जो मेंटिसा होता है वो डेसिमल पार्ट होता है और वो नॉन नेगेटिव होता है। जैसे ये है हमारे पास लॉग 39.2, ये इक्वल है 1.5933 के। तो इसमें जो 1 है वो करैक्टरिस्टिक है और 5933 जो है वो मेंटिसा है, ठीक है। तो इसके लॉग के दो हिस्से होते हैं, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, कैसे? हमें ये मालूम करना चाहिए कि असल कामयाबी क्या होती है, मैं दुनिया में क्यों भेजा गया हूँ, मेरा रब कौन है, मेरा रब कैसा है। आपको पता है कि मेरा रब वो है जो रब्बे कायनात है, मेरा और आपका रब वो है जिसे ऊँग आती है या ना ही नींद आती है। उसने हमें दुनिया में थोड़ी सी देर के लिए भेजा है और उसके बाद फिर हमने, अब काउंट द डिजिट फ्रॉम रेफरेंस प्लेस टू द डेसिमल प्लेस। तो हमने जब डिजिट्स काउंट की तो वो 2 हैं, तो हम इसको 2 लिखेंगे। उसके बाद हमने मेंटिसा फाउंड आउट करना है। तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में लॉग 232.92 लिखेंगे, लॉग का बटन प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास, आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स आ गए हैं। तो हमने इसमें से सिर्फ जो है वो 4 डिजिट्स जो हैं वो लेने हैं, हम 3672 लेंगे, यही हमारा जो है वो मेंटिसा है, ठीक है। और अगर, क्योंकि हमने इशारिया के बाद सिर्फ 4 हिस्से लेने हैं, बाकी को इग्नोर करना है, तो हमारा मेंटिसा जो है वो 3672 है, ठीक है। हम अगली प्रॉब्लम करते हैं, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ 29.326। तो सबसे पहले स्टेप में हमने रेफरेंस प्लेस इंसर्ट किया फ्रॉम द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड और 9 के दरमियान, और अब हमने इसको काउंट किया, तो काउंट द डिजिट फ्रॉम रेफरेंस प्लेस टू द डेसिमल, तो ये 1 है, तो इसका करैक्टरिस्टिक आ गया 1, ठीक है। अब हम इसका मेटा फाउंड आउट करेंगे, तो हम जो है इसमें
लॉग का बटन प्रेस करके वैल्यू ऐड करेंगे और इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि हमारे पास 1.4672523 आ गया। तो हमने 1 को तो इग्नोर करना है, हम इसका करेक्टरिस्टिक पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। हमने मेंटिसा लेना है और आप देख रहे हैं कि पहले 4 डिजिट्स लेने हैं, तो 46725। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि ये 5 है, तो हम 5 जिस तरह राउंड ऑफ करने का असूल है कि अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो हम उससे पहले को 1 ऐड कर लेते हैं। तो हम 2 में 1 ऐड करेंगे और हम इसका मेंटिसा जो है 4673 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका लॉग 29.326 का जो आंसर है वो है 1.4673। उसके बाद है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ 0.0032। तो सबसे पहले जो है हम इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड के बाद हम रेफरेंस प्लेस हमने इंटर की, और अब हमने काउंट द डिजिट फ्रॉम द रेफरेंस प्लेस टू द डेसिमल, तो ये 4 हैं, तो हम इसको करेक्टरिस्टिक को 4 के ऊपर एक बार डालेंगे क्योंकि ये माइनस है, ये करेक्टरिस्टिक माइनस है, तो माइनस करेक्टरिस्टिक के ऊपर एक बार डालते हैं। अब हमने इसका जो है वो कैलकुलेटर में जो है वो लॉग के बाद हमने नंबर ऐड किया और हमें ये मेंटिसा जो है वो आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में बहुत आराम से आप कैलकुलेटते हैं। तो हमने करैक्टरिस्टिक इसका -4 है और हमने 5051 जो है वो इसका मेंटिसा लिखा। अब है फाइंड द करैक्टरिस्टिक जो है 0.3206 है। तो सबसे पहले हमने रेफरेंस प्लेस इंसर्ट की फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड पे, और फिर हमने काउंट द डिजिट फ्रॉम रेफरेंस प्लेस टू द डेसिमल, तो ये 1 है, तो क्योंकि ये राइट साइड ऑफ द डेसिमल है तो हमने इसको -1 करेक्टरिस्टिक लिखा, हम 1 के ऊपर एक बार डालेंगे। और फिर हम इसका मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में, ये आप देख सकते हैं हमने 4 डिजिट्स यहाँ से उठी हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1-0.5059, ये हमारा मेंटिसा है और यही इसका जवाब है। फिर है आप ये नोट करें कि इफ़ द करैक्टरिस्टिक विल बी पॉजिटिव इफ़ डेसिमल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द रेफरेंस प्लेस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर जो है डेसिमल रेफरेंस प्लेस के राइट साइड पे है तो करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर रेफरेंस प्लेस जो है उसके लेफ्ट साइड पे है डेसिमल, तो वो करैक्टरिस्टिक विल बी नेगेटिव। अब हमने हमारे पास ये एक वैल्यू है इफ़ लॉग 31.09 इज़ इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि 4 इसके हिस्से हैं। आप यहाँ पे ये देखें कि अगर हम डेसिमल को इग्नोर करें तो नंबर एक ही है 310.109 310.9, डेसिमल डिफरेंट प्लेसेस पे है लेकिन नंबर एक ही है। द करैक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर मस्ट बी इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी करैक्टरिस्टिक जो है वो लॉगरिथम का वो इंटीजर होता है, फुल हिंसा होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, लेकिन मेंटिसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर मस्ट बी अ पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कॉमन लॉग में एक नंबर का मेंटिसा एक ही होगा, इशारिया की पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि इनफैक्ट द डेसिमल पॉइंट ऑफ द नंबर इज़ डिस्कार्डेड, कि जब हम मेंटिसा फाइंड आउट करते हैं तो हमें डेसिमल पॉइंट या इशारिया इग्नोर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल द मेंटिसा ऑफ ईच ऑफ द नंबर 6254 या 625.4, आप देखें कि ये नंबर में डेसिमल पॉइंट फ़र्क है लेकिन मेंटिसा इन सब का सेम होगा। इसी तरह आप देखें कि हम जब करैक्टरिस्टिक लिखते हैं तो हम उसके ऊपर बार डालते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है कि करैक्टरिस्टिक नेगेटिव है लेकिन डेसिमल पार्ट इज़ पॉजिटिव। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से बोलेंगे
1 bar 0.754, तो -1.754 इज़ नॉट इक्वल टू 1.754, क्योंकि बार वन का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस है, लेकिन जो मेंटिसा जो है वो पॉजिटिव है. लेकिन अगर हम -1.754 लिखें तो इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है और उसके बाद डेसिमल पॉइंट नेगेटिव है. अब हमें ये क्वेश्चन करते हैं, इफ़ लॉग 30.109 इज़ इक्वल टू 1.4926, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. अब आप देखें कि इन सब में नंबर जो है वो एक ही है, जो कि 3109 है. अगर हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करें, इसका मतलब है कि इन सारे नंबर्स में हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि ऑल हैव द सेम मेंटिसा. इन सब का मेंटिसा 4926 है, क्योंकि नंबर एक है. तो इस हिसाब से हम वन बाय वन लेते हैं. जैसे अगर हमने इसमें रेफरेंस प्लेस फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो डिजिट पे प्लेस की, तो उसके बाद डेसिमल पॉइंट है, तो इसका करैक्टरिस्टिक ज़ीरो आ जाएगा और मेंटिसा जो है 4926 ही रहेगा. तो ये इसका जवाब है. फिर अगले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे रेफरेंस प्लेस डाली और इसके बाद डेसिमल पॉइंट के बीच में टू डिजिट्स हैं, तो इसका करैक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा और पॉइंट के बाद हम मेंटिसा वही कॉमन वाला लगा देंगे. तो यही इसका आंसर है. और फिर ये जो है लॉग फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के में हमने रेफरेंस पॉइंट लगाया, तो ये इसके और डेसिमल पॉइंट के बीच में 3 डिजिट्स हैं, तो हम बार लगाएंगे 3 के ऊपर, क्योंकि ये माइनस करेक्टरिस्टिक है और मेंटिसा जो है वो कॉमन होगा, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे. यही इसका आंसर है. फिर यहाँ पे माइनस वन करेक्टरिस्टिक है और मेंटिसा वही है. तो उम्मीद है आपको हाउ टू फाइंड आउट द लॉगरिथम एंड मेंटिसा ये क्लियर हो गया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.